चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारी बच्चों, नीट 24 का रिजल्ट आ चुका है, लिंक आप देख सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो रिजल्ट शो होगा। ये लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहा हूं, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आप रिजल्ट देख सकते हैं। अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद सबमिट करेंगे तो आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। हो सकता है कुछ समय के लिए सर्वर क्रैश हो जाए, क्योंकि हर बार ऐसे ही होता है। मैंने आपको पहले बताया था, इस बार का जो मार्क्स वर्सेस रैंक है वो बहुत ही ज्यादा है, यानी कि बहुत ज्यादा रैंक आई है और वो अनएक्सपेक्टेड है। मैंने आपको पहले बोला था कि इस बार का जो मार्क्स वर्सेस रैंक होगा वो अनएक्सपेक्टेड होगा। अभी एक बच्चे का मेरे पास में कमेंट्स आया था, 607 मार्क्स पर 73,000 रैंक आ रही है, इस बार आ गई है, तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। आज तक नीट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। अब मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स बता देता हूं। यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 164 क्वालिफाइंग मार्क्स है, ओबीसी के लिए 129 क्वालिफाइंग मार्क्स है, एससी एसटी के लिए 129 क्वालिफाइंग मार्क्स है। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो कट ऑफ रेंज होती है वो कट ऑफ रेंज है। ये स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए, इससे ऊपर वाले स्टूडेंट या ये नंबर वाले स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए इलिजिबल हैं। अभी इसमें पीडब्ल्यूडी के लिए जो विकलांग कैंडिडेट हैं, यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 146 है इसमें, और जो ओबीसी एससी एसटी हैं उनका यहाँ पर 129 है। ये क्वालिफाइंग कट ऑफ है जो एनटीए ने डिक्लेयर किए हैं, ये और इससे ऊपर वाले कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए इलिजिबल हैं। तो आप अपना रिजल्ट चेक कर लें, एप्लीकेशन नंबर डाल करके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूं, उस लिंक से रिजल्ट चेक कर लें, परेशान ना हो। अभी थोड़ी देर में जो नीट की वेबसाइट है उस पर भी ये रिजल्ट डाल दिया जाएगा। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।